हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूपीएससी टाइम्स। आज हम बात करेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 की। एंड यहाँ पे चैप्टर का नाम है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। यहाँ पे एक कहानी स्टोरी दी गई है कि मतलब हवान एक बच्चा है जो गुवाहाटी में आता है उसके फादर के साथ फ्रॉम ए रिमोट विलेज। And he sees people getting into strange houses like object which moves along the road, and he also sees a kitchen dragging a number of house along with it. He amazed to ask his father, "Why don't we our houses move like this that the one shop in Guwahati?" तो उसने पूछा कि मतलब यहाँ पर जैसे जो houses बस थी एक्चुअली में बस एंड कार, तो उसने पूछा कि मतलब हमारे यहाँ क्यों नहीं करते। तो उसके फादर ऐसे बोलते कि आवर होम्स आर मेड अप ऑफ ईट एंड ब्रिक्स एंड स्टोन्स एंड दीज आर मेड अप ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम आर यूज इन मेकिंग दीज दे डू नॉट मूव देयर ऑन वे अपने आप मूव नहीं करती। इनको मूव करने के लिए इंजन की ज़रूरत होती है, इंजन के द्वारा इनको मूव किया जाता है। विच नीड्स एनर्जी टू वर्क, और जो इंजन है उसको एनर्जी चाहिए वर्क करने के लिए। अब आगे देखते हैं, वी यूज डिफरेंट थिंग्स इन आर डेली लाइफ मेड ऑफ मेटल। हम लोग डेली लाइफ में डेली यूज़ करते हैं मतलब जो कि डिफरेंट चीज़ जो कि मेटल से बनी हुई होती है। एंड यू हैव स्टडी दी दैट द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स एम्बेडेड इन दी रॉक्स। तो जैसा कि हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं पिछली क्लासों में कि जो अर्थ की क्रस्ट है ये मेड अप ऑफ है मिनरल्स से जो कि एम्बेडेड है इन रॉक्स। जो मिनरल्स है वो रॉक में मतलब रॉक में वो मिले हुए हैं मिनरल्स। वेरियस मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दीज मिनरल्स आफ्टर प्रॉपर रिफाइनमेंट। तो ये मिनरल्स से वेरियस मेटल एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं आफ्टर द रिफाइनिंग प्रोसेस। एंड मिनरल्स आर इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ आर लाइफ। जो मिनरल्स है ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ के लिए। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज From a tiny pin to a towering buildings or big ship, all are made up of minerals. तो जो भी कुछ हम यूज़ करते हैं एक सुई से लेके एक बड़ी बिल्डिंग या फिर शिप को ले लीजिए, जो सारी चीज़ें मिनरल से बनी हुई होती है। The railway lines and the tarmac of roads, are implements and machinery tools. आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। जो भी मशीनरी है, रेलवे लाइन है, ये सब मिनरल से बनी हुई है। कार, बसेस, ट्रेन, एरोप्लेन आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम मिनरल्स। तो कार, बस, ट्रेन, एरोप्लेन जो भी है सब मैन्युफैक्चर है किससे, मिनरल से बनाए गए हैं सब चीज़। एंड रन ऑन दी पावर रिसोर्सेज, एंड दी पावर रिसोर्सेज पे सब रन करते हैं फ्रॉम दी अर्थ, जो कि अर्थ से ड्राइव किए जाते हैं पावर रिसोर्सेज। एंड इवन दैट द फूड वी ईट कंटेन मिनरल्स, और जो फूड हम ईट करते हैं वो भी मिनरल कंटेन करता है। इन ऑल द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ह्यूमन बींग्स हैव यूज्ड मिनरल्स फॉर देयर लाइवलीहुड, डेकोरेशन, फेस्टिविटीज, रिलीजियस एंड सेरेमोनियल राइट्स। तो इस सब में हम जो है मिनरल्स का यूज ज़रूर करते हैं। ए ब्राइट स्माइल फ्रॉम टूथपेस्ट एंड मिनरल्स। टूथपेस्ट क्लीन योर टीथ, जो टूथपेस्ट है उससे टीथ को क्लीन किया जाता है। एंड एब्रेसिव मिनरल्स लाइक सिलिका, लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड वेरियस फॉस्फोरस मिनरल्स डू दी क्लीनिंग, जो कि ये टूथपेस्ट इनसे मिलकर बना हुआ होता है। एंड फ्लोराइड विच इज यूज टू रिड्यूस द कैविटीज, जो फ्लोराइड है वो कैविटीज़ को रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। कम्स फ्रॉम ए मिनरल, जो कि एक मिनरल से निकाला जाता है जिसका नाम है फ्लोराइड।
and most of the oxide which comes from minerals are called rutile, lime, ilmenite and anatase. The sparkle in the some toothpaste come from the mica and the toothbrush, and the cleaning the paste are made up of plastic and petroleum. Find out some of the basic minerals. All living thing needs minerals. जो भी living things है अर्थ पे सबको minerals की ज़रूरत होती है अपनी life को sustain करने के लिए. Life processes cannot occur without minerals. तो यहाँ पे भी यही बोला गया है कि life process है वो possible नहीं है without minerals के. Although minerals intake represent by only 0.3% on our total intake of nutrients. तो food में हमें 0.3% जो है minerals होते हैं and they are the potent and so important that without them we would not be able to utilize the other 99.7% of food stuff. ये 0.3 मिनरल के 0.3 जो मिनरल है अगर ये नहीं होता हम इसको भी यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे. अब देख लेते हैं मिनरल्स होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है. तो जियोलॉजिस्ट डिफाइन मिनरल्स एज ए होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विद ए डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर. तो जो मिनरल है ये होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होता है विद डिफाइनेबल नेचुरल इंटरनल स्ट्रक्चर के. मिनरल्स आर फाउंड इन वेरिड फॉर्म इन नेचर रेंजिंग फ्रॉम द हार्डेस्ट टू डायमंड्स एंड टू सॉफ्टेस्ट सॉफ्ट लाइक टाल. जो सबसे हार्ड मिनरल होता है जैसे कि डायमंड और सबसे सॉफ्ट होता है टाल. यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द रॉक्स. हम रॉक्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले पिछली क्लासों में, लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि रॉक्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजीनियस सब्सटेंस लाइक मिनरल्स. तो रॉक्स है वो कॉम्बिनेशन होते हैं मिनरल्स का. एंड सम रॉक्स फॉर इंस्टेंस लाइमस्टोन कंसिस्ट ए सिंगल मिनरल्स ओनली बट मेजोरिटी ऑफ रॉक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल मिनरल्स इन वेरिंग प्रोपोर्शन. ऑल्दो ओवर 2000 मिनरल्स हैव been identified only a few are abundantly found most of the rocks. A particular mineral that will be formed from certain combination of element depend on the physical and chemical conditions under which the mineral material forms, and this in turn result in a wide range of colors, hardness, crystal form, luster and density that a particular mineral possesses. Geologists use these properties to classify the minerals. और geologists इन properties को use करते हैं minerals की classification के लिए. However, for general and commercial purpose minerals can be classified as under mode of occurrence के according हम minerals को पढ़ सकते हैं. जैसे where are these minerals found. तो minerals are usually found in ores. जो mineral है वो ores में पाए जाते हैं generally, and the terms ore used to describe the accumulation of any mineral mixture with a other element. तो ये और टर्म है, इसको डिस्क्राइब किया गया है कि ये अक्यूमुलेशन होता है एनी मिनरल मिक्स्ड विद अदर एलिमेंट. एंड द मिनरल कंटेंट ऑफ द ओर्स मस्ट बी सफिशियंट कंसंट्रेशन टू इनटेक द एक्सट्रैक्शन कमर्शियली वायबल. एंड द टाइप ऑफ फॉर्मेशन स्ट्रक्चर इन द विच दे are found determine the relative ease with which minerals ore
may be used as mined. This also determines the cost of extraction. It is therefore important for us to understand the main type of the formation in which minerals occur. Minerals generally occur in the form and in igneous and metamorphic rock. Minerals may occur इन दी क्रैक्स, और जो इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक जो होती है इनमें मिनरल्स जो क्रॉक क्रैक होते हैं रॉक में, वहाँ पे मिनरल्स जनरली पाए जाते हैं. फॉल्ट एंड जॉइंट्स, द स्मॉल अकरेंस ऑफ कॉल्ड वेन्स एंड द लार्जर आर कॉल्ड लोड्स. इन द मोस्ट केसेस दे आर फाउंड व्हेन मिनरल्स इन द लिक्विड मोल्टन गैसेस फॉर्म्ड are forced upward through the cavities towards the earth surface, and they are cool and solidified at their rise. Major metallic minerals like tin and copper, zinc and lead, etc., are obtained from the veins and lodes. In sedimentary rocks, the number of minerals occur in beds, layers. They have been formed as the result of deposition, accumulation and concentration in the horizontal strata. Coal and some other form of the iron ore have been concentrated as a result of long periods under the great heat and pressure. Another group of sedimentary minerals include the gypsum, potash salt and sodium salt. These are formed as a result of evaporation, especially in arid region. Another mode of formation involved in the deposition of surface rocks and the removal of the soluble constituent, leaving a residual mass of weathered material containing ores and bauxite formed this way. तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल दिया गया है, इसको एक बार देख लेते हैं. जो मिनरल्स है वो मेनली तीन टाइप के होते हैं, मेटालिक, नॉन मेटालिक एंड एनर्जी मिनरल्स. तो मेटालिक को देख लेते हैं. सबसे पहले इसमें आता है फेरस, फेरस कंटेनिंग आयरन मतलब. तो इसके एग्जांपल है आयरन और मैंगनीज, निकल एंड कोबाल्ट. एंड सेकेंड टाइप है मेटालिक में नॉन फेरस. नॉन फेरस में आते हैं कॉपर, लीड, टिन, बॉक्साइट एक्सेट्रा. और थर्ड है प्रीसियस. प्रीसियस में आते जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम एक्सेट्रा. नॉन मेटालिक मिनरल में कौन कौन से आते हैं, माइका, साल्ट, पोटास, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन. एंड एनर्जी मिनरल्स में कॉयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. सर्टन मिनरल्स में अकर इन एल्यूवियल डिपॉजिट्स. तो कुछ मिनरल्स जो है वो पाए जाते हैं एल्यूवियल डिपॉजिट में, इन सैंड ऑफ वेली फ्लोर द बेसिस. और इन डिपॉजिट्स को हम क्या बोलते हैं, प्लेसर डिपॉजिट, जो कि जनरली कंटेन मिनरल्स. ये मिनरल को कंटेन करते हैं एंड विच आर नॉट कोरोडेड बाई वाटर. एंड गोल्ड, सिल्वर, टिन एंड प्लेटिनियम आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग दी सच मिनरल्स. The ocean water contains vast quantities of minerals, but most of these are too widely diffused to be economic significance. However, common salt and manganese and bromide are largely derived from the ocean water, and the ocean beds are too rich in the manganese and nodules. अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया गया है, आप इसको देख लेते हैं कि रेट ऑल माइनिंग क्या होती है.
Do you know that the most of the minerals in India are nationalized and their extraction is possible only after obtaining due to the permission of the government? तो जो इंडिया में जो मिनरल है वो नेशनलाइज्ड है एंड उसका एक्सट्रैक्शन गवर्नमेंट की परमिशन के साथ ही किया जा सकता है. बट इन द मोस्ट ऑफ द ट्राइबल एरियाज इन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल एरियाज है उनमें मिनरल्स आर ओन्ड बाई इंडिविजुअल और कम्युनिटीज. इन मेघालय देयर आर लार्ज डिपॉजिट ऑफ कॉयल, आयरन और लाइम स्टोन, डोलोमाइट एक्सेट्रा. The coal mining in the Jowai and Cherrapunji is done by family members in the form of long narrow tunnel. तो यहाँ पे जो चेरापूंजी में जो है जो माइनिंग है वो फैमिली मेम्बर्स के द्वारा ही की जाती है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग टनल्स जिनको हम बोलते हैं रेट ऑल माइनिंग. एंड दिस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल has declared such activities illegal and recommended that these should be stopped forthwith. India is fortunate to have fairly rich and varied mineral resources. However, these are unevenly distributed. Broadly speaking, peninsular rock contain most of the reserve of metallic minerals, mica and many other non-metallic minerals. Sedimentary rocks on the western and eastern flank of the peninsula. In Gujarat and Assam, the most of the petroleum deposit. Rajasthan with rocks and systems of peninsula has reserve of many. Non-ferrous minerals, the vast alluvial plains of North India are almost devoid of economic minerals, and these variations exist largely because of the differences in the geological structure and processes and time involved in the formation of minerals. Let us now study the distribution of major minerals of India. The always remember that the concentration of minerals in ore and the case of extraction closeness, the market play an important role affecting the economic viability of reserve and thus to meet the demand. A choice has to be made between the number of possible options, and when this is done in a mineral deposit or reserve turns into mine. Ferrous mineral kaun kaun se hote hai? Ferrous minerals account for about 3/4 of the total value of production of मेटालिक मिनरल्स. जो फेरस मिनरल है ये अकाउंट करते हैं लगभग 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेटालिक मिनरल्स की. एंड दे प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज. एंड इंडिया एक्सपोर्ट सब्सटेंशियल क्वांटिटीज ऑफ फेरस मिनरल्स आफ्टर मीटिंग हर इंटरनल डिमांड्स. तो इंडिया जो है एक्सपोर्ट भी करता है जो फेरस मिनरल होता है इनको, मतलब खुद की, मतलब इंडिया अपनी डिमांड को मीट करने के बाद भी एक्सपोर्ट करता है फेरस मिनरल्स को. आयरन ओर इज द बेसिक मिनरल्स एंड द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. In India is the endowed with the fairly abundant resources of iron ore, and India the fine and iron ore with a very high content of iron up to 70%.
It has excellent magnetic qualities, especially valuable in the electrical industry, hemelite, or is most important industrial iron ore in form of the quantities used, but has a slightly lower iron content than magnetite, 50 to 60%. In 2018-19, almost entire production of iron ore, जो कि 97% accrued from Odisha and Odisha, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, झारखंड, and the remaining production 3% was from other states. The major iron ore belts in India. तो आयरन ओर के मेजर बेल्ट कौन कौन से इंडिया में, वो देखते हैं हम। ओडिशा झारखंड बेल्ट, तो इन ओडिशा हाई ग्रेड ऑफ हेमाटाइट और इज फाउंड। उड़ीसा में जो है हाई ग्रेड ऑफ हेमाटाइट और फाउंड है एंड इन बादाम पैर माइंस, इन द मायूरवंज एंड केंडुझार डिस्ट्रिक्ट, इन द एडजॉइनिंग सिंगवम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, एंड हेमेटाइट आयरन और इज द माइंड इन गोवा एंड नॉमिनिदी। दुर्गबास्टर and Chandrapur belt lies in the Chhattisgarh and Maharashtra, and very high grade of hematite are found in the famous Velandala range of Heel and Bastar district of the Chhattisgarh. The range of these hills comprise of 14% 14 deposit of super high grade of the hematite iron, and it has the best physical property needed for the making iron ore from the mines and exported to Japan and South Korea by Visakhapatnam port. Ballari, Chitradurga and Chikamagalur and Tumakuru belt in Karnataka has large reserves of iron ore, and the Kudremukh mines located in the western ghat of the Karnataka and are 100% of export unit. Kudremukh deposit are known to be the one of the largest in the world, and the ore is transported as slurry through a pipeline to a port near Mangaluru. Next, Maharashtra Goa belt includes the state of Goa and Ratnagiri district of Maharashtra through the ore are not very high quality, but yet they are efficiently exploited. Iron ore is exported through the Marmangao port. अब बात करते हैं मैंगनीज की। मैंगनीज इज मेनली यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। जो मैंगनीज है उसको मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील के प्रोडक्शन के दौरान यूज किया जाता है, एंड फेरोमैंगनीज अलॉय, फेरोमैंगनीज का भी यूज किया जाता है। एंड नियरली 10 kg ऑफ मैंगनीज इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 ton ऑफ स्टील। तो यहाँ पे 10 kg मैंगनीज है वो रिक्वायर होता है टू मैन्युफैक्चर 1 ton ऑफ स्टील। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेंट्स।
तो जो मैंगनीज है ये और भी इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर बनाने में एंड इंसेक्टिसाइड और पेंट्स बनाने में भी ये यूज़ में लिया जाता है। तो प्रोडक्शन ऑफ मैंगनीज शोइंग स्टेट वाइज इन परसेंट 2018-19 का, तो जो मध्य प्रदेश है उसमें 33% मैंगनीज और महाराष्ट्र में 27, उड़ीसा में 16%, कर्नाटका में 12%, आंध्र प्रदेश में 10% और जो बाकी के बचे हुए स्टेट है उनमें 2% ऑफ मैंगनीज का जो है प्रोडक्शन होता है। अब बात करते हैं नॉन फेरस मिनरल्स की। इंडियाज रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन ऑफ नॉन फेरस मिनरल्स इज नॉट ओनली सेटिस्फैक्ट्री, हाउएवर दीज मिनरल्स विच इंक्लूड कॉपर, बॉक्साइट एंड जिंक एंड गोल्ड प्ले ए वाइटल रोल इन नंबर ऑफ मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। लेट अस स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपर एंड बॉक्साइट। ये मैप में कुछ जो है डेटा दिया गया है कि कहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स जो है पाए जाते हैं, एक बार आप देख लीजिएगा ये मैप। यहाँ पे मैप जो है आयरन और मैंगनीज बॉक्साइट एंड माइका इनका डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, किस किस जगह पाया जाता है। अब बात करते हैं कॉपर की। इंडिया इज क्रिटिकली डेफिशिएंट इन दी रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉपर एंड बींग मेलावेल डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर, कॉपर इज मेनली यूज इन इलेक्ट्रिकल केबल्स। तो जो कॉपर है वो इलेक्ट्रिकल केबल्स में यूज में लिया जाता है एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज में भी यूज में लिया जाता है कॉपर को। एंड दी बालाघाट माइंस इन मध्य प्रदेश, खेतरी माइंस इन राजस्थान एंड सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। तो ये कुछ इस जगह बताई गई है, जैसे कि बालाघाट माइंस इन मध्य प्रदेश, खेतरी माइंस इन राजस्थान एंड सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड, ये जो लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉपर के। अब बात करते हैं बॉक्साइट की। दो सेवरल ओर्स कंटेन एल्यूमिनियम, इट इज़ फ्रॉम बॉक्साइट ए क्ले लाइक सब्सटेंस दैट एल्यूमिना एंड लेटर एल्यूमिनियम इज ऑब्टेंड बॉक्साइट एंड डिपोजिटेड आर फॉर्म्ड बाई द डिकम्पोजिशन ऑफ द वाइड वेराइटी ऑफ रॉक्स रिच इन एल्यूमिनियम एंड सिलिकेट। एल्यूमिनियम इज एन इम्पॉर्टेंट मेटल बिकॉज इट कम्बाइंस दी स्ट्रेंथ ऑफ मेटल सच एज आयरन विद एक्सट्रीम लाइटनेस एंड ऑल्सो विद गुड कंडक्टिविटी एंड ग्रेट मेलाबिलिटी। इंडियाज बॉक्साइट डिपॉजिट आर मेनली फाउंड इन दी अमरकंटक प्लेटू, माइकाल हिल्स एंड दी प्लेटू रीजन ऑफ बिलासपुर कटनी। तो यहाँ पे जो है बॉक्साइट पाया जाता है। अब इसका प्रोडक्शन देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे कितना कितना होता है। प्रोडक्शन ऑफ बॉक्साइट शोइंग स्टेट वाइज शेयर परसेंट अकॉर्डिंग 2018-19 का डेटा है। जैसे कि झारखंड में 10%, गुजरात में 9%, छत्तीसगढ़ में 6% एंड महाराष्ट्र में 6%, मध्य प्रदेश में जो है 3% और सबसे ज़्यादा होता है उड़ीसा में जो कि 65% और अदर स्टेट में 1%। उड़ीसा वाज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इन 2016-17 एंड पंचपाटमाली डिपॉजिट्स इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉक्साइट डिपॉजिट इन दी स्टेट। अब बात करते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स की। पहला है माइका।
माइका इज ए मिनरल मेड अप ऑफ ए सीरीज ऑफ प्लेट लीव्स. इट इज स्पाइड इजीली इंटू थिन सीड्स एंड दीज सीड्स कैन बी सो थिन दैट ए थाउजेंड्स कैन बी लेयर्ड इंटू ए माइका सीड फॉर ए फ्यू सेंटीमीटर हाई. माइका कैन बी क्लियर ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो और ब्राउन. ड्यू टू इट्स एक्सीलेंट एंड डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लो पावर लॉस फैक्टर, इंसुलेटिंग द प्रॉपर्टीज दैट रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज, माइका इज वन ऑफ द मोस्ट इंडिस्पेंसेबल मिनरल्स यूज इन द इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज. जो माइका है ये इसका डिपोजिट ये कहाँ पर पाया जाता है? नॉर्दर्न एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू एंड खोदेरामा गया एंड हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ माइका. इन राजस्थान द मेजर माइका प्रोड्यूसिंग एरिया अराउंड अजमेर नेलोर माइका बेल्ट ऑफ आंध्र प्रदेश इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर इन द कंट्री. अब बात करते हैं रॉक मिनरल में लाइम स्टोन की. लाइम स्टोन फाउंड इन एसोसिएशन विद द रॉक्स कंपोज कैल्शियम कार्बोनेट्स एंड कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट. इट इज फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ मोस्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन. लाइम स्टोन इज द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री. लाइम स्टोन है बेसिक रॉ मटेरियल मतलब यूज किया जाता है सीमेंट इंडस्ट्री में एंड इसेंशियल फॉर दी स्मेल्टिंग आयरन और जो आयरन और की स्मेल्टिंग में भी इसको यूज किया जाता है एंड दी ब्लास्ट फर्नेस में. तो यहाँ पे देख लेते हैं प्रोड्यूसिंग ऑफ लाइम स्टोन शोइंग स्टेट वाइज इन परसेंट अकॉर्डिंग टू 2018-19. तो यहाँ पे बात कर लेते हैं राजस्थान में 20%, मध्य प्रदेश में 13%, आंध्र प्रदेश में भी 13%, छत्तीसगढ़ में जो है 11%, कर्नाटका में 9%, तेलंगाना में 8%, गुजरात में 7%, तमिलनाडु में 6%, महाराष्ट्र में 4% एंड अदर बाकी के जो स्टेट है उनमें पाया जाता है 8%. Hazards of mining. Have you ever wondered about the effect of miners make in making life comfortable for you? What are the impact of mining on the health of miners and the environment? The dust, not noxious fumes inhaled by the miners, make them vulnerable to the pulmonary disease and जो कि vulnerable हो जाते हैं pulmonary disease के जो miners होते हैं वो and the risk of collapsing mine roof, insulation and the fires in the coal mines are a constant threat to mines. The water sources in the region to get contaminated due to the mining and dumping of waste and slurry leads, degradation of soil and increase the stream of river pollution. Stricter safety and regulation or implementation of the environment law are essential to prevent the mining from becoming a killer industry. Conservation of minerals की बात करें तो we all appreciate the strong dependence of industry and agriculture upon
minerals deposits and substances manufactured from them. The total volume of the workable minerals deposit is insignificant fraction, that is 1% of the earth crust, and we are rapidly consuming minerals resources that require millions of years to be created and concentrated. The geological process of the mineral formation are to the slow, that the rate of replacement are infinitely small, and comparison to the present rates of consumption, mineral resources are therefore finite and non-renewable, and rich mineral deposits are countries extremely valuable but short-lived possessions. Continue extraction of ore lead to the increasing cost, as the minerals extraction comes from greater depth along the quality, decreased quality. A concentrated effort that to be made in order to use minerals resources and plan and sustainable manners. Improved technologies need to be constantly evolved to allow age of low grade ores at low cost recycling of minerals using scarce metal and other substitute are a step in the conserving our minerals, our minerals resources for the future. अब बात करते हैं एनर्जी रिसोर्सेज की. एनर्जी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज़. इट इज़ नीडेड, मतलब जो एनर्जी रिसोर्सेज है ये रिक्वायर है फॉर ऑल एक्टिविटीज़. इट नीडेड टू कुक, कुक के लिए भी एनर्जी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है. लाइट एंड हीट के लिए भी एनर्जी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है. एंड प्रॉपर व्हीकल एंड ड्राइव मशीनरी एंड इंडस्ट्री, इन सब में जो है एनर्जी रिसोर्सेज की ज़रूरत हमको पड़ती है. एनर्जी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम फ्यूल मिनरल्स लाइक ऑयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. एनर्जी को हम फ्यूल मिनरल्स के द्वारा भी जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि कॉयल के द्वारा, पेट्रोलियम के द्वारा, नेचुरल गैस के द्वारा, यूरेनियम एंड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी. एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाइड इंटू एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल. Sources of conventional sources include the firewood, cattle dung and coal, and coal, petroleum, natural gas and electricity, both hydro and thermal. Non-conventional sources में कौन कौन से आते हैं? Solar, wind, tidal, geothermal, biogas and atomic energy. Firewood and cattle dung cake is are most common in the rural India. According to the estimate of the more than 70% of the energy requirement in the rural household is met by these two, and continuation of these is increasingly becoming difficult to decrease forest area. And moreover, using dung cake too is being discouraged because it consumes most valuable manure which could be used in agriculture. Conventional sources of energy की अब हम बात करते हैं. इसमें पहला है कोयल. तो in India कोयल इज मोस्ट अवेंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल. तो जो इंडिया में जो कोयल है वो मोस्ट अवेंडेंटली फॉसिल फ्यूल में से एक है. एंड इंडिया इट प्रोवाइड्स एंड सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द नेशनल एनर्जी नीड्स, एंड इट इज यूज्ड फॉर द पावर जनरेशन टू सप्लाई एनर्जी
industry as well as for domestic needs. India is highly dependent on coal for meeting its commercial energy requirement. As you are already aware of that, the coal is formed due to the comparison of plants and material over millions of years. Coal therefore is the found in a variety of forms depending upon the degree of comparison and the depth and time of burial. Decaying plants is the swamp produce peat and which has a low carbon and high moisture contents and low heating capacity. Lignite is a low grade brown coal which is soft with high moisture content, and this principal lignite reserve are the Neyveli in Tamil Nadu and are used for generations of electricity. Coal and that has been buried deep and subjected to increases temperature and bituminous coal. It is the most popular coal in the commercial use. Metallurgical coils is high grade bituminous and coil which has special value for smelting iron and in blast furnace. And anthracite is the highest quality hard coil. In India, a coil occurs in the rock series of two main geological ages, namely Gondwana and a little over 200 million years in age in the tertiary deposit, which are only about 55% million year old. The main resources of Gondwana coal, which are metallurgical coal, are located in the Damodar Valley, West Bengal, Jharkhand, Jharkhand, Raniganj, Bokaro, and important coal field, the Godavari, Mahanadi, Son, Vardha valleys also contain the coal deposit. And tertiary coal occur in the northeastern states like Meghalaya, Assam, Arunachal Pradesh, and Nagaland. And remember, the coil is a bulky material which lose weight on use as they reduce to ash. Hence, heavy industries and the thermal power stations are located on or near the coil field. अब बात करते हैं पेट्रोलियम की. पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल इज ए नेक्स्ट मेजर एनर्जी सोर्स इन इंडिया आफ्टर कोयल. इट प्रोवाइड्स फ्यूल फॉर हीट एंड लाइटिंग. इट लुब्रिकेंट्स फॉर मशीनरीज एंड रॉ मटेरियल फॉर नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. पेट्रोलियम रिफाइनरीज एक्ट एज ए नोडल इंडस्ट्री फॉर सिंथेटिक टेक्सटाइल फर्टिलाइजर एंड numerous chemical industries. Most of the petroleum occurrence in India are associated with the anticlines and fault strip and rock formation of the tertiary age. In regions of folding anticlines or domes,
इट अकर वाइल ऑयल इज ट्रैप्ड इन द क्रेस्ट ऑफ द अपफॉल्ड. द ऑयल इज बियरिंग लेयर ऑफ पोरस लाइमस्टोन सैंडस्टोन थ्रू विच ऑयल में फ्लो. द ऑयल इज प्रिवेंटेड फ्रॉम राइजिंग सिंकिंग बाई द इंटरवेनिंग नॉन पोरस लेयर्स. पेट्रोलियम इज ऑल्सो फाउंड इन फॉल्ट ट्रैप्स बिटवीन द पोरस एंड नॉन पोरस रॉक्स. गैस बींग लाइटर यूजली अकर अबव द ऑयल. मुंबई हाई, गुजरात एंड आसाम आर मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरियाज इन इंडिया. जो मुंबई हाईज एंड गुजरात एंड आसाम है, ये मेजर प्रोडक्शन एरिया है इंडिया में पेट्रोलियम के. फ्रॉम द मैप तो मैप दिया गया है एक, उसमें आप देख लीजिएगा. अंकलेश्वर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फील्ड ऑफ गुजरात आसाम एंड आसाम इज द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया. दिगवई नार कटिया एंड मोरन उगरजान आर द इम्पॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स इन द स्टेट्स. अब बात करते हैं नेचुरल गैस की. नेचुरल गैस इज फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट. नेचुरल गैस जो है वो फाउंड पाई जाती है विद पेट्रोलियम डिपॉजिट के साथ ही. और जो नेचुरल गैस है थोड़ी लाइटर होती है, तो पेट्रोलियम डिपॉजिट होता है उसके जस्ट अबव होती है, ऊपर होती है. एंड रिलीज विद क्रूड ऑयल इट ब्रॉट टू द सरफेस एंड इट कैन बी यूज एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल एंड इट इज यूज फॉर फ्यूल पावर सेक्टर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर हीटिंग पर्पज इन इंडस्ट्रीज एज ए रॉ मटेरियल इन केमिकल पेट्रोल केमिकल एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज एज ट्रांसपोर्ट फ्यूल एंड कुकिंग फ्यूल विद द एक्सपेंशन ऑफ गैस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लोकल सिटी. गैस डिस्ट्रीब्यूशन COD नेटवर्क. नेचुरल गैस इज ऑल्सो इमर्जिंग एज ए प्रिफर्ड ट्रांसपोर्ट फ्यूल CNG एंड कुकिंग फ्यूल PNG एट होम्स. इंडियाज मेजर गैस रिजर्व आर फाउंड इन मुंबई हाई एंड अलाइड फील्ड्स अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ विच आर सप्लीमेंटेड बाई द फाइंड्स इन द कैम्बे बेसिन अलोंग द ईस्ट कोस्ट. एंड न्यू रिजर्व नेचुरल गैस हैव बीन डिस्कवर्ड इन कृष्णा गोदावरी बेसिन. द फर्स्ट 1700 किलोमीटर लॉन्ग हजारा बीजापुर एंड जगदीशपुर HBG क्रॉस कंट्रीज गैस पाइपलाइन कंस्ट्रक्टेड बाई गेल इंडिया एंड लिंक मुंबई हाई विथ एंड बेसिन गैस फील्ड एंड विद वेरियस फर्टिलाइजर्स पावर एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस इन द वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया. द आर्टरी प्रोवाइडेड द इम्पेटस टू इंडियन गैस मार्केट डेवलपमेंट एंड ओवरऑल इंडियाज गैस इंफ्रास्ट्रक्चर हैज एक्सपेंडेड ओवर द टाइम फ्रॉम 1700 किलोमीटर टू 18,500 किलोमीटर ऑफ द क्रॉस कंट्री पाइपलाइन इज एक्सपेक्टेड टू सून रीच ओवर 34,000 किलोमीटर एज गैस ग्रिड बाई लिंकिंग ऑफ द ऑल गैस सोर्सेज ऑफ कंज्यूमिंग मार्केट अक्रॉस द कंट्री इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट. अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की. इलेक्ट्रिसिटी हैज सच ए वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इन टूडेज वर्ल्ड एंड इट्स पर कैपिटा कंजम्पशन इज कंसिडर्ड एज द इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट. And electricity is generated mainly in the two ways, by running water which drives hydro
टरबाइन टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड बाई वर्मियर अदर फ्यूल्स सच एज कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस टू ड्राइव टरबाइंस टू प्रोड्यूस थर्मल पावर. वंस जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी इज एग्जैक्टली सेम. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाई द फास्ट फ्लोइंग वाटर विच इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज इन एंड इंडिया हैज ए नंबर ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लाइक भाखला नांगल दामोदर वैली कॉरपोरेशन कोटपुतली हाइडल प्रोजेक्ट एंड प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाई यूजिंग द कोयल एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. द थर्मल पावर स्टेशन यूज नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. जो थर्मल पावर प्लांट है वो यूज़ करता है, जैसे कि जो नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स है उनको यूज़ करता है फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. और वो नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल कौन से हैं, यहाँ पे कोयल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. अब देखते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी. तो द ग्रोइंग कंजम्पशन ऑफ एनर्जी हैज़ रिजल्टेड इन कंट्रीज बिकमिंग इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल्स विच एज कोयल ऑयल एंड गैस. राइजिंग प्राइस ऑफ ऑयल एंड गैस एंड देयर पोटेंशियल शॉर्टेज have raised uncertainties about the security of supply in future and which in turn has serious repercussions on the growth of national economy. Moreover, increasing use of fossil fuels has also caused serious environmental problems. Hence, there is a pressing need to be used renewable energy sources like solar energy, wind, tide, biomass and energy from waste material. These are called non-conventional energy sources. India is blessed with the abundance of sunlight and water, wind and biomass. It has the largest programs of the development of these renewable energy resources. Nuclear or atomic energy. It is obtained by altering the structure of atoms and bands are made by energy released from the heat and used to generate the hydroelectric power uranium. झारखंड एंड अरावली रेंज राजस्थान आर यूज फॉर द जनरेटिंग एटॉमिक एंड न्यूक्लियर पावर. द मोनाजाइट सैंड्स ऑफ केरला इज ऑल्सो रिच इन थोरियम. सोलर एनर्जी. तो सोलर एनर्जी, इंडिया इज ए ट्रॉपिकल कंट्री एंड इट हैज इनॉर्मस पॉसिबिलिटीज ऑफ टैपिंग सोलर एनर्जी. फोटोवोल्टेइक टेक्नोलॉजी कन्वर्ट सनलाइट इंटू इलेक्ट्रिसिटी. सोलर एनर्जी इज द फास्ट बिकमिंग पॉपुलर इन रूरल एंड रिमोट एरिया. सम बिग सोलर पावर प्लांट आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया विच विल मिनिमाइज द डिपेंडेंस ऑफ रूरल हाउस होल्ड ऑन फायरवुड
and Dunkirk, which intends to contribute to environmental conservation and adequate supply of the manure in electricity. Wind power, India has a great potential of wind power. The largest wind farms cluster is located in Tamil Nadu. From Nagarkoil to Madurai, apart from these, Andhra Pradesh, Karnataka, Gujarat, Kerala, Maharashtra, Lakshadweep have important wind farms, and the Nagarkoil and Jaisalmer are well known for effective use of the wind energy in the country. Biogas, shrubs, farm waste and animal and human waste are used to produce biogas for domestic consumption in the rural areas, and the decomposition of the organic matter yield gas which has higher thermal efficiency in comparison to the kerosene, Dunkirk and charcoal. Biogas plants are set up at the municipal, cooperative and individual levels. These plants using cattle dung are known as the gobar gas plant in rural India. These provide twin benefits of the farmers in the form of energy, and it improves the quality of manure. Biogas is by far the most efficient use of cattle dung, improve the quality of manure and prevent the loss of trees. Biogas है अगर इसका use करेंगे तो हम जो मतलब इसे जो लॉस ऑफ ट्रीज है वो भी कम पर उसको भी प्रिवेंट कर सकते हैं. मैन्योर ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल वुड जो कि मैन्योर ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल वुड एट काउडम के. अब लास्ट अब हम बात करते हैं टाइडल एनर्जी. टाइडल एनर्जी क्या होती है? ओशियनिक टाइडल कैन यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. जो ओशियन में टाइड्स आती है ना वो यूज की जा सकती है एज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. फूड गेट डैम्स आर बिल्ट अक्रॉस द इनलेट. दो डैम्स बना दिए जाते हैं अक्रॉस इनलेट एंड ड्यूरिंग द हाई टाइड द वाटर फ्लोज इन टू द इनलेट. जो वाटर है वो इनलेट में इन टू द इनलेट एंड गेट्स ट्रैप्ड बाई द गेट इज क्लोज. और वहाँ पर ट्रैप हो जाता है वो पानी, तो उससे हम वो बना सकते हैं टाइडल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी बना प्रोड्यूस कर सकते हैं. द वाटर रिटर्न बाई द फ्लड गेट फ्लोज बैक टू द सी बाई पाइप दैट कैरीज इट थ्रू ए पावर जनरेटिंग टर्बाइन. In India, Gulf of Kambat and Gulf of Kutch, Gujarat, on the western coast of the Ganga River Delta, Sundarban region of the West Bengal, provide ideal condition for the utilizing tidal energy. अब बात करते हैं geothermal energy की. Geothermal energy to the heat and electricity produced by the using the heat from the interior, and the geothermal energy exists because the earth grows progressively hotter with the increasing depth, and where the geothermal gradient is high and high temperature are found in the shallow depth groundwater. In such areas of absorbed heat from the rock and becomes hot
It is also hot that being hot when it rises to the earth's surface and turns to steams. The steams are used to drive turbine and generate electricity, and there are several hundred of hot springs in India which could be used to generate electricity. To experimental project have been set up in India to harness the geothermal energy. One is located in the Parvati Valley near the Manikaran in Himachal Pradesh, and the other is located in the Puga Valley, Ladakh. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज की अब बात करते हैं. तो एनर्जी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो एनर्जी वो इकोनॉमी के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होती है उसके डेवलपमेंट के लिए. अब एवरी सेक्टर ऑफ द नेशनल इकोनॉमी लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल एंड डोमेस्टिक नीड्स इनपुट ऑफ एनर्जी. अब इन सब सेक्टर्स में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. तो द एनर्जी डेवलपमेंट प्लान्स इम्प्लीमेंटेड सिंस इंडिपेंडेंस नेसेसरली रिक्वायर इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमेन ऑपरेशनल एंड एज ए हाई प्रेजेंट कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इन ऑल द फॉर्म हैज बीन स्टेडली राइजिंग ऑल ओवर द कंट्री. इन इंडिया बैकग्राउंड देयर इज अर्जेंट नीड टू डेवलप सस्टेनेबल पाथ ऑफ एनर्जी डेवलपमेंट. जो इंडिया में जो अर्जेंट नीड है एक तरीका से जो सस्टेनेबल पाथ है एनर्जी डेवलपमेंट उसकी उसको डेवलप करने की एंड प्रमोशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एंड इंक्रीज यूज ऑफ रिन्यूएबल energy sources are the twin planks of sustainable energy. India is presently one of the least efficient countries in the world. We have to adopt cautions to approach the judicious use of the limited energy resources. So हमको use है वो limited करना होगा energy resources का use judicious तरीके से. For example, the concerned citizen, we can do a bit using public transport system instead of the individual vehicles, switching off electricity when not in use. तो मतलब individual vehicle की जगह जो public transport का use यहाँ पे कर सकते हैं. And जो जब हम पावर जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं कर रहे हो तो उसको ऑफ कर देना चाहिए. एंड यूजिंग पावर सेविंग डिवाइसेस का यूज़ करना चाहिए. एंड यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज हमको करना चाहिए जिससे कि जो एनर्जी है वो मतलब उसका एक सस्टेनेबल तरीके से यूज हो सके. आफ्टर ऑल एनर्जी सेव द एनर्जी प्रोड्यूस. इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है आज का ये समाप्त होता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. प्लीज़ थैंक यू.